हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो राजस्थान में निकाली गई है नई भर्ती, जिसके संबंध में आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे जानकारी। RSMSSB बोर्ड द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, जिसका नाम है CET, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर 12th लेवल की ये एग्ज़ाम निकाली गई है, यानी कि 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे कि इसके लिए किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहेगी और कब से फॉर्म चालू होंगे और क्या परीक्षा शुल्क रहेगा। साथ ही और भी डिटेल आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, स्किप कहीं भी मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये 12th लेवल की भर्ती है, आज की डेट देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2022, यानी अभी कुछ देर पहले ही ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके काफ़ी सारे पद यहाँ निकाले गए हैं। और ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, यानी कि 12th पास, 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब किस किस डिपार्टमेंट में ये नौकरी निकाली गई है वो बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, जिसमें कि वनपाल की भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती निकाली गई है, लिपिक ग्रेड सेकेंड की भर्ती है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। ये जो LDC की भर्ती निकाली गई है दोस्तों, इसमें 3-4 LDC की भर्ती, इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि RSMSSB बोर्ड के काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं विथ फाइनल आंसर की, ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरा सॉल्व पेपर है, तो आपको कुछ ही नहीं करना, उन वीडियोज़ को पूरा देखना है। वहाँ पर क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद में उत्तर भी आपको वहाँ पर बता दिए गए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, उन वीडियोज़ को पूरा देखना है। काफ़ी पेपर्स मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ, जिसमें पटवारी के भी भर्ती के पेपर हैं। ये सब RSMSSB भर्ती बोर्ड के ही पेपर हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के पेपर है और LDC की जो पुरानी भर्ती निकली थी, ठीक है, उसके पेपर्स भी उपलब्ध करवा दिए हैं, जिसके लिंक मैंने नीचे आपको दे दिए हैं। बाकी पेपर्स भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, नीचे ज़रूर से उन पेपर्स को देख लें। तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी है, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में भी है, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा में भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जमादार की भर्ती भी निकली गई है, जमादार ग्रेड सेकेंड की, और कॉन्स्टेबल की भर्ती भी निकाली गई है। बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों, कि यहाँ पर इस परीक्षा को पास कर लेना नौकरी की गारंटी नहीं है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, कुछ लोग इसे यह समझे कि हमने अगर इसमें परीक्षा में पास कर लिए तो हम इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में आप अगर इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तब इन भर्तियों के लिए आगे आपको यहाँ पर अलग से एग्ज़ाम देना होगा। हर एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर अलग से वैकेंसी के लिए अलग से एग्ज़ाम लगेगा, वो आपको देना होगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है, एग्ज़ाम या फिर जो भी आपके यहाँ पर साक्षात्कार होगा तो वहाँ पर आपको साक्षात्कार भी देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा बताया गया है, कम से कम एक बार वर्ष में एक बार सीनियर सेकेंडरी स्तर की ये एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का जो स्कोर है वो आपके जिस दिन एग्ज़ाम होगा, उस जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन से लेकर एक वर्ष के लिए मान्य होगा, जैसा कि यहाँ सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो ये आपके इस एग्ज़ाम को CET को पास कर लेना यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि आप भर्ती के लिए जो नौकरी है उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आपकी नौकरी लग चुकी है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एलिजिबल हुए हैं कि आप आगे इसके लिए दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आपके यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनके लिए अलग से आपके यहाँ पर एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर निश्चित रूप से यही आपकी जानकारी पूरी इसमें बताई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि आप यहाँ पर आवेदन कैसे कर सकते हैं, वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आप CET का 12th लेवल का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, और कोशिश करूँगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं, और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु जो शुल्क रहेगा वो ₹450 रहेगा। इसके अलावा जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के EWS वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए ₹350 शुल्क रहेगा। इसके अलावा विशेष योग्यजन
तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250 रुपये और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए शुल्क यहाँ पर रहेगा 250 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर जैसा कि बताया गया है समान पात्रता परीक्षा के संबंध में यहाँ पर अलग अलग आपके निर्देश दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा हम बात करना चाहें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पर वन विभाग की जो भर्ती निकली है वनपाल की उम्र जो रहेगी इसके लिए आवेदक की वो 18 से 40 वर्ष रहेगी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10th+2 यानी 12th का या फिर सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलात विभाग की बात करें और इसमें जो छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए 18-40 वर्ष उम्र रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास किए हुए हों, साथ में यहाँ पर जो अतिरिक्त कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा दिए हुए हैं इनको भी आपको यहाँ पर पास करना होगा, जिसमें महत्वपूर्ण जो है सबसे मेन वो रहता है RSCIT। अगर आपने RSCIT कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये और भी डिप्लोमास दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके ज़रूर से पढ़ लें। इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने के पश्चात ही आप आवेदन करें, यही आपको सलाह दी जाती है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। आबकारी विभाग की बात करें इसमें जमादार ग्रेड 2nd की जो भर्ती है उसमें 18 से 40 वर्ष आयु रहेगी और इसके अलावा इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समतुल्य परीक्षा और साथ में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में यथा विनिर्दिष्ट कंप्यूटर अर्हता, जो कंप्यूटर की जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई है इस नियम में वो रहनी चाहिए। भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमीशन अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक हो सकता है। पुलिस मुख्यालय पर कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उम्र जो रहेगी 18 से 24 वर्ष रहेगी और 12th पास यहाँ पर होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। इसके अलावा आयु की बात करें तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया गया है। अब बात करना चाहेंगे कब से आवेदन प्रारंभ होंगे, 12 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक आवेदन किए जा सकते हैं, ठीक है। परीक्षा संबंध में बात करना चाहें परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, तो मैंने वैसे तो आपको उपलब्ध करवा दिया है वीडियो कि CET की जो एग्ज़ाम्स होगी RSMSSB की, चाहे वो 12th की हो या फिर जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की निकली है उन सब का वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा 12th लेवल की जो एग्ज़ाम रहेगी वो रहेगी 18 फरवरी 2023, 19 फरवरी 2023, 25 फरवरी 2023 और 26 फरवरी 2023 को यहाँ पर आपके एग्ज़ाम करवाई जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे प्रवेश पत्र के बारे में, जैसा कि यहाँ बताया गया है ये आपके जब एग्ज़ाम होगा तब उपलब्ध हो जाएगी जानकारी। यहाँ पर जो संशोधन की बात आ जाती है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें आपके यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये दे करके आवेदन करा सकता है, संशोधन करा सकता है। इसके संबंध में भी आपको जानकारी दी गई है, वो आप यहाँ पर ज़रूर से पढ़ लें। इसके अलावा सिलेबस की बात करना चाहेंगे, ये पूरा सिलेबस है लेकिन सिलेबस का वीडियो मैंने अलग से आपको उपलब्ध करवा दिया है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसके लिए सिलेबस का मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया है, लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है, उसे ज़रूर से देख लें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेपर्स देखना चाहते हैं लिंक मैंने उपलब्ध करवा दिया है नीचे, ज़रूर से देख लें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।